नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटोब में। तो भाई मारुति सुजुकी फाइनली जो है अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ कार लॉन्च करने जा रहा है ऑन 30th of June 2022। सो गाइस द ऑल न्यू हॉट इनटेकी मारुति ब्रेजा 2022 इज हेयर। दोस्तों इस गाड़ी में भाई इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ साथ जो है सीएनजी वेरिएंट भी आने के पूरे चांसेस हैं, जो कि भाई कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस प्रीवियसली कर दिए हैं। और हाल ही में भाई अभी इसका सीएनजी वेरिएंट भी स्पाय किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं भाई जो सीएनजी का फ्यूल बटन है वो कुछ इस हिसाब से दिया गया है। इंटीरियर फीचर्स, एक्सटीरियर फीचर्स और सीएनजी वेरिएंट की भाई पूरी फीचर्स की जानकारी हम लोग यहां पे आपको भाई अच्छे से देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भाई ऐसे बढ़िया बढ़िया अपडेट्स हम आपको देते रहें। तो दोस्तों बलेनो के बाद भाई ये मारुति की पहली गाड़ी होने वाली है, जिसमें भाई सबसे अच्छी बात है आपको हेडसअप डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाला है, 360 डिग्री कैमरा भी इनफैक्ट दिया जाएगा अलॉन्ग विद फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि भाई काफ़ी यहां पे टॉप क्लास के फीचर्स आने वाले हैं ब्रेजा 2022 में। दोस्तों हम आपको बता दें तो भाई रियर एसीवेंट्स इस गाड़ी में अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। रियर का सिट एंड कंफर्ट भी आप देख सकते हैं, अच्छे से इसमें तीन लोग भी बैठ सकते हैं। जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो आला आप लोगों ने हालांकि प्रीवियसली काफ़ी सारे वीडियोस में देख ही लिया होगा, लेकिन भाई डीप फीचर्स की जानकारी केवल हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी। और प्रीवियसली जो है आप देख सकते हैं इस गाड़ी की प्रोफाइल्स के बारे में, हालांकि इसका टीवीसी शूट हो चुका है और टीज़र भी ऑफिशियली आज की डेट में ही इसका लॉन्च हो चुका है, जिसमें भाई वरुण धवन जी ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है और इंस्टाग्राम पे भाई काफ़ी अच्छे से इसके लीक्स जारी कर दिए गए हैं। नो डाउट मेनली अब हम लोग सीएनजी वेरिएंट की बात कर रहे थे, तो भाई सीएनजी में सबसे अच्छी बात है सेम अर्टिगा वाला ही इंजन आपको ब्रेजा में दिया जाने वाला है, तो भाई पावर की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं लगने वाली है हमारे हिसाब से। तो और माइलेज की अगर बात करें तो करीब 25 से 30 का माइलेज आपको इस गाड़ी में सीएनजी में लेने वाला है। तो भाई सच में अगर आप ब्रेजा लेने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से भाई सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट बाय कीजिए, जिससे आपको भाई सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएं। हालांकि इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ सीएनजी आना थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है, बिकॉज कोई भी कंपनी भाई आज तक का रिकॉर्ड है कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेडसअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स के साथ भाई सनरूफ, मतलब ये सारे फीचर सीएनजी वेरिएंट के साथ नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर मारुति ऐसा करता है तो ये हिस्ट्री हो जाएगी भाई सच में, कि एक फुल्ली टॉप एंड लोडेड कार के साथ जो है सनरूफ और सीएनजी भी आपको देखने को मिल जाए। हालांकि केवल गाड़ी पेट्रोल इंजन पे ही आनी है, ये गाड़ी डीजल इंजन पे नहीं आएगी, बिकॉज मारुति हैज़ नो प्लान्स टू लॉन्च देयर डीजल इंजन। बाकी MID वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट सारी चीज़ें आपने देख ली, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब देखा गया है। हालांकि ये सब फीचर्स तो कॉमन है क्योंकि भाई प्रीवियस ब्रेजा में भी आते हैं, और बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद भाई ऑफिशियली तो ऑल न्यू ब्रेजा आपके ठीक सामने है। प्राइसेस की अब बात कर लेते हैं, तो भाई बेस मॉडल की शुरुआत करीब करीब 9 लाख से होगी पेट्रोल में, और करीब 13 लाख रुपए तक जाएगा, जिसके बीच में आपको भाई 12 लाख रुपए या 12.5 लाख रुपए में आपको सीएनजी वेरिएंट देखने को मिल जाए। हालांकि अगर टॉप एंड में सीएनजी वेरिएंट आता है तो करीब 14 लाख रुपए तक की भी इस गाड़ी की कीमत जा सकती है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। दोस्तों अगर पेट्रोल के भी माइलेज की बात करें तो करीब 20.51 का माइलेज आपको पेट्रोल पर भी देखने को मिलेगा एज पर ARAI नॉर्म्स। बाकी इंटीरियर फीचर्स एज पर जो हम लोगों ने अभी टीजर में देखे हैं तो उसमें से ये तो समझ में आ रहा है कि भाई साफ साफ इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब इन चीज़ों को कैसे ही बताएं कि आपको मतलब कुछ थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा अपडेट यहाँ पे ब्रेजा में देखने को मिलने वाला है। हालांकि गाड़ी जब अपने सामने आएगी तो न्यूज़ कुछ अलग ही होने वाली है, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं आ रही भाई कुछ ऐसे ही अपडेट से आप लोग अभी काम चला सकते हैं। बाकी सीएनजी वेरिएंट की पूरी जानकारी इतनी ही थी, हालांकि फ्यूचर में अपडेट्स और आने हैं और इसका सीएनजी वेरिएंट ऑफिशियली प्राइस के साथ भाई 27 जून या 28 जून तक लॉन्च हो ही जाएगा। तो भाई वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।